और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी जो है बहुत ऊपर तक आ चुका है, सिर्फ एक बारिश में जो है इतना ऊपर आ चुका है, नहीं तो ये नॉर्मल हुआ करता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी घास जो है उग चुकी है और यहाँ पर छोटा सा रास्ता बना हुआ है और मैं आपको आगे लेकर जाने वाला हूँ। और आप यहाँ पर देख सकते हैं आगे के यहाँ पर आधे से ज़्यादा तो वृक्ष जो है टूट चुके हैं और आधे जो है अभी टूटने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत खरीफ आने वाला है हमारा पानी। हे गाइस वेलकम बैक टू एन अनदर व्लॉग। आज हम जाने वाले हैं हमारे जो गांव का तालाब है वहां पर जाने वाले हैं। और अभी हम मैंगो मार्केट में हैं। आपको मैंने पहले भी जो है व्लॉग में बताया था जो यहां पर बहुत ट्रैफिक हुआ करती थी और यहां पर जो है अभी कोई नहीं है। आपको मैं पूरा पूरा जो है व्यू देने वाला हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल सन्नाटा लगा हुआ है। बस यहाँ पर जब सीज़न आता है मैंगो का तभी यहाँ पर भीड़ हुआ करती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछली वीडियो में जो है बहुत सारी यहाँ पर ट्रैफिक हुआ करती थी। यहाँ पर तो गिने चुने लोग ही हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़े नारियल के जो है मंडी खुली हुए है और यहाँ पर कुछ काम चल रहा है और मैं आपको यहाँ पर आगे जो है लेकर जाने वाला हूँ। आप इस जो है गेट से हम निकलने वाले हैं बाहर और आपको मैं मिलता हूँ रिवर के पास। और गाइस ये रहा हमारा मेन रोड और इस पार जो है मैंगो मार्केट है और इस पार जो है यहाँ पर तालाब है। आपको मैं दिखाने वाला हूँ आगे। बने रहे वीडियो में, अगर पसंद आए तो लाइक करें। और गाइस फाइनली चलते चलते तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बहुत दूर है हमारा घर और यहाँ पर हम अंदर जा रहे हैं। ओ गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा सारा जो है ना भर चुका है। आपको मैं दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में। और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी जो है बहुत ऊपर तक आ चुका है, सिर्फ एक बारिश में जो है इतना ऊपर आ चुका है, नहीं तो ये नॉर्मल हुआ करता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी घास जो है उग चुकी है और यहाँ पर छोटा सा रास्ता बना हुआ है और मैं आपको आगे लेकर जाने वाला हूँ। और आप यहाँ पर देख सकते हैं आगे के यहाँ पर आधे से ज़्यादा तो वृक्ष जो है टूट चुके हैं और आधे जो है अभी टूटने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत खरीफ आने वाला है हमारा पानी। और गाइस मुझे इतना डर कभी नहीं हुआ, सच में बता रहा हूँ। मुझे मैं अभी यहाँ पर अकेला आया हुआ हूँ तो यहाँ पर का जो इन्वायरमेंट होता है ना बहुत जो पार्क की तरह हुआ करता है, तो मुझे वापस जाना ही बेहतर लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सांप भी हो सकते हैं या कोई डॉग या कुछ भी आ सकता है। तो हम निकल चुके हैं यहाँ से। और आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे हिम्मत अभी भी जो है आ जाएगी तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा वीडियो देने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे जो है आधे से ज़्यादा जो है टूट चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ 2 फीट पानी अभी ऊपर आ जाएगा तो सारा इस तरफ जो है पूरा यहाँ पर डाउन है, ज़मीन है, घर हैं, सारे जो है चले जाएंगे बाढ़ में। ओ ये क्या है गाइस, आप देखिए यहाँ पर डक। गाइस यहाँ तक हम आ चुके हैं तो यहाँ पर कुछ जो है जानकारी की बात कर लेते हैं। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बहुत सारा कूड़ा फैला कर रखा है। आपके भी जो है कहीं तालाब होगा तो वहाँ पर जो है साफ सुथरा रखें। और यहाँ पर हमेशा ख़तरा बना रहता है कि कोई सांप ना जाए। अगर हमारा तालाब अच्छा रहेगा तो बहुत सारा हमको फ़ायदा मिलने वाला है और यहाँ का पानी भी जो है हम यूज़ कर सकते हैं। आपको मैं जूम करके दिखाने वाला हूँ, आप देख सकते हैं। गाइस बहुत सारा जो है कूड़ा फैला कर रखा है यहाँ पर, देख सकते हैं फूल वगैरह कुछ नहीं छोड़ा है इन्होंने। यहाँ पर जो है फूल भी उगते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी जो है यहाँ पर लोटस निकाल लिया गया है और हवा चल रही है बहुत तेज़। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे जो है झाड़ टूट चुके हैं, यहाँ पार्क जैसा जो है बनाया हुआ था। और गाइस आप में से जो है हमारे गांव के भी कुछ लोग हो सकते हैं और हैं सब्सक्राइबर्स हैं हमारे गांव में भी बहुत सारे,
और आपको मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि आपने बच्चों को या आप भी अकेले मत आओ, मैं आया हूँ यहाँ पर आपको सावधान करने के लिए। और आप दूसरी जगह से भी जो है देख रहे होंगे, तो वहाँ पर भी जो है आप मत जाएं, क्योंकि अब ख़तरा हमेशा बना रहता है, और सावधान रहें। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लो ना यार, आपके लिए मैं अकेला यहाँ पर आया हूँ। और ये आप जो पार्क देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा नुकसान हो चुका है पानी की वजह से। यहाँ पर जो है सारा जो है पानी आ चुका था, और ये कुछ पार्क के जैसा भी नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं बहुत सारे पेड़ उग चुके हैं। यहाँ पर जो है कुछ काउंटर हुआ करता था, यहाँ पर उधर काउंटर है, उधर टिकट वाला, ये भी जो है अभी कुछ नहीं चलेगा। सारा जो है पेड़ में कुछ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा सूख चुके हैं, और बिना फ़ायदे के जो है पेड़ यहाँ पर रुक चुके हैं पूरा। मैं आपको जो है सामने लेकर चलता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे थोड़े थोड़े से जो है अच्छे हैं, मगर जो सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर ख़राब हो चुके हैं, सूख चुके हैं सारे। और ये रहा हमारा मेन रोड। और गाइस अभी हम घर पहुंच चुके हैं, और आपको मैं कुछ वीडियोस देने वाला हूं, और आप देखें उसको जाकर और कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाल हुए थे पूरा स्टोरेज भर भाग गया, कोई उठे नहीं करी अपने वहां सामने। अब बोले ना बोले सब ने पर पूरा स्टोरेज तो उन्होंने मांग नहीं किए करके ले भैया का घर तेरा भैया का। अभी पानी फुल खड़े।